कल तक हमने आपको इकोनॉमिक्स के ही पीरियड में हमने आपको रेंट के चैप्टर में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हमने आपको बताया था, और आज हम आपके साथ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट स्टार्ट करेंगे, लगान का आधुनिक सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि उसके क्रिटिसिज्म को भी आपको बताया और ये भी बताया था कि इंडिया में वो क्यों नहीं लागू हो सकता। तो कई एक चीज़ों को लेते हुए आज हम आपके साथ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को लेकर के चलते हैं। तो उसके अंतर्गत रिकार्डो के विचार था कि लगान केवल भूमि पर ही मिलता है और प्रकृति की देन होने के कारण भूमि की मात्रा सीमित होती है। भूमि की सीमितता का ये गुण उसे उत्पत्ति के अन्य उपादानों से पृथक करता है, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में भूमि की तरह उत्पादन के अन्य उपादान में भी सीमितता का गुण पाया जाता है, इसलिए अन्य उत्पादन पर भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। तो लगान का अर्थ यह है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के थ्रू कि लगान किसी उपादान की वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय का अंतर होता है, यानी कि रियल इनकम में से ट्रांसफरेबल इनकम को जब हम डिडक्ट कर देते हैं वो रेंट होता है। रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग इज इक्वल टू रेंट। वास्तविक आय क्या है? वास्तविक आय किसी साधन की वो आय है जो उसे अपने वर्तमान प्रयोग से प्राप्त होती है, उसके वर्तमान प्रयोग में प्राप्त हो रही है उसे। और हस्तांतरण आय किसी आय की वो आय है जो उसे साधन अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में प्राप्त हो सकती है। और हस्तांतरण की आय को न्यूनतम पूर्ति कीमत या मिनिमम सप्लाई प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लर्क को 16,000 रुपए माहवार मिलते हैं जो उसकी वास्तविक आय है। यदि वह कहीं और कार्य करने जाता है और उसे केवल 14,000 रुपए प्रतिमाह मिल सकते हैं, तो इस प्रकार उसे वर्तमान रोजगार में 2,000 रुपए का आर्थिक लगान प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो भी उपादान है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के थ्रू जो भी उपादान है वो सारे उपादान जो हैं वो लगान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भूमि ही नहीं वरन हर एक लगा उपादान जो उत्पादन के उपादान है, पांचों उपादान, उनमें सीमितता पाई जाती है, तो उस पर भी लगान हमें प्राप्त हो सकता है। तो लगान क्या है? आधुनिक मत के अनुसार लगान बराबर वास्तविक आय में से हस्तांतरित आय को घटा दिया जाए, यानी कि एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफर अर्निंग को माइनस कर दिया जाए तो वो रेंट के अंतर्गत आता है। अब आपको ये भी बता दिया मैंने कि अर्निंग दोनों प्रकार की, एक्चुअल और ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है। अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसमें कई लोगों ने इसको परिभाषित किया, जैसे कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के, अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में, किसी उत्पादन का लगान उत्पादन का वो अतिरेक है जो उसे न्यूनतम राशि के अतिरिक्त प्राप्त होता है, अर्थात जिसके कारण वह व्यवसाय के कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। यानी कि द एसेंस ऑफ द कंसेप्शन ऑफ रेंट इज द कंसेप्शन ऑफ सरप्लस अर्न बाय पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर एंड अबव the minimum earning necessary to induce it to do its work। और next है, according to Boulding, उनके अनुसार
आर्थिक लगान वो भुगतान है जो संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी उत्पादन की एक इकाई को दिया जाता है और उस न्यूनतम रकम से अधिक होता है जो उपादान विशेष को उसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और तीसरी डेफिनेशन है स्टोनियर एंड हेग के शब्दों में, लगान वो भुगतान है जो हस्तांतरण आय से अधिक होता है। रेंट इज अ पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ट्रांसफर अर्निंग्स। अब इसका आधार क्या है, सिद्धांत का आधार क्या है, बेसिस ऑफ थ्योरी। इसके अंतर्गत वॉन वीजर ने उत्पत्ति के उपादानों को दो वर्गों में बांटता है, एक पूर्णतया विशिष्ट उत्पादन उपादान परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर और दूसरा पूर्णतया अविशिष्ट उपादान परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। पूर्णतया विशिष्ट उपादान वे होते हैं जिन्हें एक ही कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये उपादान पूर्णतया अगतिशील होते हैं। इसके विपरीत पूर्णतया अविशिष्ट उपादान वे होते हैं जिन्हें कई एक कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। आज जो उपादान विशिष्ट हैं विशिष्टता के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, विशिष्टता एक ऐसा गुण है जिसे कोई भी उपादान प्राप्त कर सकता है। आज जो उपादान विशिष्ट है वो कल अविशिष्ट हो सकता है। दूसरा, वस्तुतः कोई भी उपादान ना तो पूर्णतया विशिष्ट होता है और ना ही पूर्णतया अविशिष्ट होता है। तो उपादानों के उक्त वर्गीकरण के आधार पर ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उनके विचार से लगान विशिष्टता के कारण किया गया भुगतान है। दूसरे शब्दों में, लगान तब मिलता है जब किसी उपादान का संभरण या पूर्ति कम मूल्य सापेक्ष लेस इलास्टिक होती है। यानी कि पूरे सिद्धांत का जो आधार है वो पूर्णतया विशिष्ट और अविशिष्ट, मतलब कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत हम बांटते हैं, यही आधार है। यानी कुछ मतलब कि उपादान ऐसे हैं जिसमें कि अभी हमने बताया कि स्पेसिफिक वो हैं जिनको किसी एक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए, विच कैन यूज फॉर वन वर्क ओनली, और नॉन स्पेसिफिक वो हैं विच यू कैन यूज इन मल्टीपल यूजेस। तो सिंपली हम इस बात को कह सकते हैं कि कोई भी, जो भी हम, चाहे हम भूमि लें, चाहे श्रम लें, चाहे पूंजी लें, चाहे हम उद्यम लें, चाहे संगठन लें, ये पांच उपादान हैं प्रोडक्शन के। ये पांचों विशिष्ट भी हैं और पांचों अविशिष्ट भी हैं, यानी कि स्पेसिफिक भी हैं और नॉन स्पेसिफिक भी हैं। हम एक समय पर हम इनको स्पेसिफिक कर सकते हैं और एक समय पर हम इसको नॉन स्पेसिफिक करके हम उसको, उसके आधार पर हम लगान ले सकते हैं। यानी कि एक सीधा सा सिद्धांत है कि लगान तब मिलता है जब किसी उपादान का सप्लाई कम मूल्य सापेक्ष या लेस इलास्टिक होता है। ये है आज के इस दिन का आपका क्लास। कल अब हम आपको डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट या लगान का निर्धारण इसके आधार पर हम आपको बताएंगे और आप आज इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तब तक कि कल तक आपको इतना आप कर लीजिए और हम कल आपको अपने क्लास में हम आपको बताते चलेंगे।